ऐसे और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार दोस्तों, मैं हर्ष आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हर्ष वीडियोस यूट्यूब चैनल के एक और फ्रेश वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ आपके स्मार्टफोन के एक फीचर इमरजेंसी सर्विस या फिर इमरजेंसी कॉल के बारे में। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस वीडियो को। दोस्तों बात करें आजकल की डेली लाइफ की, तो नॉर्मली तौर पे जो स्मार्टफोन है हम लोगों में से सभी लोगों के पास उपलब्ध है, यानी कि हम लोगों में से सभी लोग स्मार्टफोन को यूज़ करते हैं। नॉर्मली तौर पे स्मार्टफोन को हम लोग यूज़ करते हैं तो किसी न किसी प्रकार का सिक्योरिटी यानी किसी न किसी प्रकार का स्क्रीन लॉक अपने स्मार्टफोन में लगा के जरूर रखते हैं। नॉर्मली तौर पे अगर आपने किसी भी प्रकार का स्क्रीन लॉक को लगा के रखा होगा अपने स्मार्टफोन में, तो आपने गौर किया होगा पावर बटन को टैप करके जैसे ही अपने स्मार्टफोन की स्क्रीन को ओपन करते हैं, यानी कि स्क्रीन को अनलॉक नहीं करते सिर्फ स्क्रीन को ओपन करते हैं, लाइट आ जाता है स्क्रीन पे, तो आपने देखा होगा जस्ट नीचे साइड में आपको लिखा रहता है इमरजेंसी नंबर या फिर इमरजेंसी कॉल। तो आखिरकार क्या आप जानते हैं दोस्तों, आखिरकार ये है क्या, इसके क्या फायदे हैं, इसके माध्यम से आप क्या क्या कर सकते हैं? दोस्तों आज की इस वीडियो में इसी के बारे में विस्तार से बात करने वाले हैं। तो आइए दोस्तों विस्तार से जानते हैं कि आखिरकार ये है क्या, इसके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, अर्थात ये क्या है, इसके बारे में विस्तार से जान लेते हैं और इसके क्या यूजेस है ये भी जान लेते हैं। नॉर्मली तौर पे दोस्तों इसका नाम निकल के आता है इमरजेंसी नंबर या फिर इमरजेंसी कॉल, इसके नाम से ही पता चल जाता है इसका काम। देखिए दोस्तों अगर हिंदी अर्थ इसका निकालिएगा तो इमरजेंसी का अर्थ होता है आपातकालीन, यानी इमरजेंसी का अर्थ आप समझ ही रहोगे आपातकालीन, जब बहुत किसी चीज़ की आवश्यकता हो। नॉर्मली इमरजेंसी और नंबर यानी कि इमरजेंसी कॉल या फिर इमरजेंसी नंबर बोले तो आपातकालीन स्थिति में आप किसी को कॉल करना चाहते हैं तो इसके लिए इमरजेंसी कॉल का उपयोग कर सकते हैं। अब नॉर्मली तौर पे दोस्तों मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे आप कहीं पे खड़े हैं, अब नॉर्मली बगल में किसी घर वगैरह में आग लग चुका है, तो नॉर्मली वो एक आपातकालीन स्थिति है यानी कि वो एक इमरजेंसी सिचुएशन है, तो वहां पे आप डायरेक्ट अकेले कुछ नहीं कर सकते हैं, तो वहां पर इमरजेंसी नंबर में फोन लगा के फायर यानी जो फायर ब्रिगेड वाले होते हैं उन्हें बुला सकते हैं, जो अग्निसेवक वाले होते हैं उन्हें बुला सकते हैं कि वो आग को बुझा सकें, तो वो जो आपका इमरजेंसी यानी कि आपातकालीन स्थिति है उस तरीके से सुधर सकता है। यानी कि अगर आप फायर वाले को बुलाइएगा, फायर ब्रिगेड को, नॉर्मली जो अग्निसेवक होते हैं तो नॉर्मली वो आग को बुझा सकते हैं। तो बात का मतलब आप, अर्थात मैं बोलना चाह रहा हूँ इमरजेंसी सिचुएशन क्या होता है ये आप समझ रहे हैं। बात का मतलब मान लीजिए किसी हॉस्पिटल वगैरह में, फिर आप किसी रोड वगैरह में है, किसी का एक्सीडेंट हो गया, तो नॉर्मली वहाँ पे एम्बुलेंस वगैरह को आपको बुलाना है तो आप इमरजेंसी कॉल के माध्यम से यानी इमरजेंसी नंबर के माध्यम से एम्बुलेंस वगैरह को बुला सकते हैं। फिर लड़ाई झगड़ा हो गया है तो पुलिस वगैरह को इन्फॉर्म करना है, वहाँ पर इमरजेंसी नंबर के माध्यम से आप उसे बुला सकते हैं, फिर कॉल कर सकते हैं। नॉर्मली तौर पर इंडिया के अंतर्गत जो वन इन ओनली या फिर बोले तो ऑल इन वन जो इमरजेंसी नंबर है वो है 112 यानी कि 112 बेल। यहाँ पे कौन फोन कीजिएगा, था एक इमरजेंसी नंबर है भारत के अंतर्गत। अब नॉर्मली तौर पे दोस्तों इसका काम ये है, इस इमरजेंसी कॉल या फिर इमरजेंसी नंबर के फीचर से आप किन्हीं को भी कॉल कर सकते हैं, मतलब किन्हीं को कॉल करने का अर्थ ये है जो भी आपने इमरजेंसी कॉन्टेक्ट में सेव करके रखा उनको कॉल कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता दूं, अगर आपने किसी भी इमरजेंसी कॉन्टेक्ट को सेव करके नहीं रखा है तो आप इमरजेंसी नंबर के बटन को टैप कीजिएगा, फिर इमरजेंसी कॉल के फीचर को टैप कीजिएगा तो वहां पे किसी को भी कॉल नहीं लगेगा। अगर आप किसी और को कॉल लगाना चाहते हैं, अर्थात किन्हीं के नंबर पर फोन लगाना चाहते हैं, तो वहां से आप नहीं लगा सकते हैं, सिर्फ हम इमरजेंसी नंबर पर ही फोन डायल कर सकते हैं वहां से। अगर किसी को डायल करना है तो नॉर्मली उसके लिए आपको सबसे पहले कॉन्टेक्ट में जाके इमरजेंसी कॉन्टेक्ट को सेव करना होगा, तब आप उसके बाद इमरजेंसी नंबर का लुप्त या फिर बोले तो मजा उठा सकते हैं, उसके फायदा जो भी है उसे उठा सकते हैं। अब नॉर्मली तौर पे ये इमरजेंसी नंबर या फिर इमरजेंसी कॉल है क्या, इसके बारे में तो आपने जान लिया, अब मैं आपको थोड़ा सा और बता देता हूं इसके बारे में। अर्थात आजकल जितने भी स्मार्टफोन आ रहे हैं लेटेस्ट से लेटेस्ट, सब में आपको कुछ ऐसी ऐसी तकनीक देखने को मिल रही है या फिर कुछ ऐसे ऐसे फीचर्स देखने को मिल रही है जिसे हम लोग SOS इमरजेंसी के नाम से भी जानते हैं, जो आपातकालीन में आपकी बहुत ही मदद कर सकती है। अब नॉर्मली तौर पे दोस्तों ये जो SOS इमरजेंसी सर्विस का ऐप वगैरह आपके स्मार्टफोन में इंस्टॉल है तब अच्छी बात है, अगर नहीं इंस्टॉल है तो नॉर्मली बहुत सारे आपको ऐप देखने को मिल जाएंगे गूगल प्ले स्टोर के ऊपर भी, iOS के ऊपर भी, तो नॉर्मली उन्हें आप डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद आपातकालीन स्थिति में वो आपका बहुत काम आएगा। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए आप किसी भी दिक्कत में फंस गए हैं तो इस इमरजेंसी कॉन्टेक्ट या फिर बोले तो उस इमरजेंसी ऐप के माध्यम से आप बहुत ही काम कर सकते हैं। कोई शॉर्टकट की है बात का मतलब मान लीजिए पावर बटन को आप 3 बार टैप कीजिएगा तो किसी इमरजेंसी नंबर पे यानी जिस इमरजेंसी कॉन्टेक्ट को आपने सेव किया है वहां पे फोन लग जाएगा, आपने जिस इमरजेंसी कॉन्टेक्ट को सेव किया है वहां पे आपके लोकेशन के साथ मैसेज चला जाएगा कि आई एम इन ट्रबल प्लीज हेल्प मी, मतलब कि इस प्रकार का काम हो सकता है जो आपकी सेफ्टी के लिए हो। तो नॉर्मली आप इसे इंस्टॉल कर सकते हैं,
प्ले स्टोर से या फिर आपके स्मार्टफोन में है तो आप उसे एक्टिव कर दीजिए उस SOS इमरजेंसी सर्विस को। तो कहीं ना कहीं दोस्तों ये जो SOS इमरजेंसी सर्विस है हम लोगों की आपातकालीन में बहुत काम आती है। तो बस दोस्तों यही होता है SOS इमरजेंसी सर्विस। अब नॉर्मली मैं तो उम्मीद करता था कि आप पहले से ही समझते होंगे, मैंने इसे थोड़ा और से विस्तार में बताने की कोशिश की है और मैंने आपको ये बताने की कोशिश की है कि प्ले स्टोर पर आपको एक से बढ़ के ऐप देखने को मिल जाएंगे SOS इमरजेंसी के जो आपके बहुत काम के होंगे, कहीं ना कहीं आपातकालीन स्थिति में आपके बहुत मदद करने वाले हैं वो ऐप। तो आप उसे डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिए या फिर आपके स्मार्टफोन में है तो आप एक्टिव कर लीजिए। तो फिलहाल के लिए आज के इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल को। इस वीडियो में इतना दोस्तों, मिलता है आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।